इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, हड़प्पाई लिपि और मोहरे। सबसे पहले हम देखते हैं नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कई सारे बड़े बड़े नगर भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये काफी बड़े बड़े नगर थे। वहीं भारत में धौलावीरा जैसे नगर भी प्राप्त हुए हैं उत्खनन से। तो ये जो सभ्यता है पूरी की पूरी नगरीय सभ्यता है। जितने भी नगर प्राप्त हुए, मतलब कि उत्खनन के द्वारा जितने भी नगर प्राप्त हुए उनमें देखने को मिला है कि जो नगर दो भागों में बटा हुआ था, एक जो है नगर होता था और नगर के पास ही एक किला होता था। जैसा कि हमने देखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जहां दो टीलों की खुदाई की गई, तो एक टीले से नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए तो दूसरे टीले से किला मतलब कि दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, जो भी नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां भी किला और नगर दोनों एक साथ प्राप्त हुआ है, तो वहां जो है यही चीज देखने को मिला है। कुछ स्थान जैसे कि लोथल, लोथल में क्या है, वहां नगर और किला दोनों जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। लेकिन जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगर है, वहां नगर और किला वो जो है अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से चर्चा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं वो पूर्व दिशा में स्थित होते थे और जो दुर्ग होता था वो पश्चिम में होता था। मतलब कि जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो को अगर हम ले लें तो वहां जो नगर प्राप्त हुआ है वो पूर्व दिशा में है और जो दुर्ग प्राप्त हुआ है वो पश्चिम दिशा में है। ठीक इसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो दूसरे नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वहां भी नगर जो है पूर्व की ओर है और जो दुर्ग है वो पश्चिम दिशा की ओर है। इनकी नगर योजना बहुत ही सुनियोजित थी। नगरों में जो है सड़कें, नालियों सबकी व्यवस्था थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब कि जो है यहाँ वहां टेढ़ा मेढ़ा नहीं थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब कि चौराहों का निर्माण करती रही होगी बहुत सारे। तो यहाँ का जो मुख्य सड़क है, जो मुख्य मार्ग होता था, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वहां का मैं बता रहा हूँ, लगभग 9.15 मीटर चौड़ा पाया गया है मोहनजोदड़ो में। और ठीक इसी प्रकार से जो दूसरे नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वहां की सड़कों की लंबाई भी चौड़ाई भी लगभग इतनी ही है। और जो गलियां हैं, जो अंदर की जो गलियां होती थी उनकी चौड़ाई लगभग 3 मीटर के करीब पाई गई है। मतलब जो मुख्य सड़क होता था वो लगभग 9 से 10 मीटर के आसपास चौड़ा होता था और जो अंदर की जो गलियां होती थी 3 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इस तरह से जाती हुई प्रतीत होती है। सड़कों के दोनों किनारों पर नालियां बनी हुई थी जो कि पक्की ईंटों से तैयार की गई थी। जो बड़ी नालियां होती थी उनको पत्थरों से ढका जाता था और जो छोटी नालियां होती थी उनको ईंटों से ढका जाता था। देखिए जो मुख्य मार्ग होगा वहां जो नाली होगी वो बड़ी नाली होगी और जो गलियों की नाली होगी वो छोटी नाली होगी। तो जो छोटी नालियां हैं उनको ईंटों से ढकते थे और जो बड़ी नालियां हैं उनको पत्थरों से ढका जाता था। ये जो नालियां थी ये भी ईंटों से बनाई गई थी, पक्की ईंटों से, और जो सड़कें थी वो मिट्टी की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था काफी उत्तम थी, मतलब कि यहाँ से जो है गंदा पानी को बाहर निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। जैसे कि घरों में जो भी नहाने धोने के लिए जो पानी उपयोग में लाया जाता रहा होगा तो जो गंदा पानी है वो घरों से निकल करके छोटी नालियों में जाती रही होगी और फिर वहां से फिर बड़ी नाली में, और बड़ी नाली से फिर जो है वो नदी में जाकर मिल जाती रही होगी। नालियों को जो जैसे मैंने बताया कि नालियों को पत्थरों से ढका जाता था, तो उनकी सफाई करने के लिए जो बीच बीच में नालियों के बीच बीच में सोख्त गड्ढे खोदे गए थे, मतलब कि जो है नालियों के बीच बीच में थोड़े गहरे गड्ढे खोदे गए थे ताकि जो कचरा अगर नाली में आ जाए तो जो कचरा है वो गहरे गड्ढे में नीचे बैठ जाए और पानी जो है ऊपर से निकल जाए। इन गड्ढों को जो है समय समय पर खोलकर साफ किया जाता था। इन नगरों से जितनी भी नालियां प्राप्त हुई है उनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ जो जल निकासी काफी उत्तम थी, मतलब कि गलियों में जो है गंदा पानी बहता हुआ नहीं दिखता रहा होगा। सड़कों के किनारे मकान बने हुए होते थे, दुकान भी होते रहे होंगे। जितने भी मकान यहाँ पाए गए हैं लगभग सभी पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। मकान, प्रत्येक मकान में एक आंगन होता था, बड़ा सा आंगन होता था और उसके जो है चारों तरफ मकान घर बने हुए होते थे, जो भी मतलब कमरे होते थे। और जो घरों के जो दरवाजे हैं, जो मकान के जो दरवाजे हैं वो आंगन की ओर खुलते थे और जो मुख्य द्वार है, घर का जो मुख्य द्वार है वो गली में निकलता था। देखिए कई सारे पुस्तकों में ऐसा दिया हुआ मिलता है कि जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलता था। देखिए ये क्या है कि
कि ये दरअसल ऐसा दिया हुआ है कि जो घरों के जो दरवाजे हैं, दरवाजे खिड़कियां हैं, वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, जो अंदर जो गलियां हैं वहां खुलता था, और जो घर के जो कमरों के जो दरवाजे हैं वो आंगन में खुलता था, लेकिन जो मुख्य द्वार है वो मुख्य सड़क की ओर न खुल करके जो छोटी गलियां हैं वहां खुलता था। प्रत्येक घर में आंगन होता था और आंगन के कोने में स्नानागार होता था। जो स्नानागार बनाया जाता था अधिकांशतः वो जो गली है, गली के किनारे होता था, मतलब कि ताकि जो नहाए धोए तो जो गंदा पानी है वो डायरेक्ट जो है जो छोटी गलियां हैं वहां की जो नाली है वहां चला जाए। तो इस कारण से जो स्नानागार होता था, जो मतलब कि बाथरूम, वो जो है आंगन में कोने पर बनाया जाता था गली के किनारे। यहाँ से कई बड़े भवन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें लगभग 30 कमरे भी हैं, तो ये जो है कुछ विशेष कार्य के लिए बनाए गए होंगे। कई सारे भवन 2 मंजिले भी प्रतीत होते हैं, मतलब कि जो घरों से जो है कई सारे घरों से सीढ़ियां भी प्राप्त हुई है जो कि ऊपर जाने के लिए, तो ये 2 मंजिले रहे होंगे। और ऊपर वाले मंजिल में भी जो है बाथरूम की व्यवस्था थी, और वहां से पानी को नीचे उतारने के लिए, मतलब बाथरूम है यूज करेंगे, नहाएंगे धोएंगे तो पानी नीचे आएगा, तो उसके लिए जो है मिट्टी के पाइप बनाए गए थे जो कि नीचे आता था नाली में सीधे। अब जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो नालियां हैं पक्की ईंटों से बनाई गई थी, भवन पक्की ईंटों से बनाए गए थे, जो दुर्ग हैं, किले हैं, वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे, तो ईंटों का आकार क्या था वो देखते हैं हम। तो यहाँ से जो ईंटों का जो आकार है उसका अनुपात 4:2:1 है, इस अनुपात में जो है ईंटें तैयार की जाती थी। ईंटों का आकार थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 3 प्रकार की ईंटें यहाँ देखने को मिलती है। सबसे बड़े आकार का जो ईंट है उसका आकार है 51.5 x 26.27 x 6.35 सेंटीमीटर। मतलब कि देखिए ईंट का आकार जो है 3 प्रकार से होता है, एक तो उसका लंबा वाला भाग, फिर चौड़ा वाला भाग, फिर उसका हाइट। तो जो ईंट की जो सबसे जो बड़े साइज का जो ईंट है उसकी लंबाई है 51.43 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई है 26.27 सेंटीमीटर। वही उसकी जो हाइट है 6.35 सेंटीमीटर। वही जो मीडियम साइज का जो ईंट होता था उसका आकार है, उसका लंबाई है 36.83 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई है 18.41 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है 10.16 सेंटीमीटर। ये जो मीडियम साइज का है मझोले आकार का। और जो सबसे छोटा साइज का, सबसे छोटे आकार का ईंट का जो साइज होता था उसका जो लंबाई होता था 24.13 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई होती थी 11.05 सेंटीमीटर और उसका जो हाइट होता था 5.08 सेंटीमीटर। अगर कभी पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो इन आकारों के जो है यहाँ से ईंटें पाए गए हैं, मतलब कि इन आकार के ईंटों का यहाँ प्रयोग किया जाता था नालियां बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुर्ग बनाने के लिए। और ये जो ईंटें हैं पक्की होती थी, मतलब कि इनको जो है पकाया गया होता था। हालांकि कई जगह ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। और कालीबंगा वहां से जो है अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है और वहां जो है एक अलंकृत ईंटों से बना हुआ फर्श भी देखने को मिला है जो कि और कहीं नहीं मिला, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से। अब हम देखते हैं हड़प्पाई लिपि। इस सभ्यता से संबंधित बहुत सारे लेख भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से अधिकांशतः मुहरों के रूप में है, मतलब कि सिक्कों के रूप में है। इन लेखों के माध्यम से इस सभ्यता के संबंध में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इनकी जो लिपि थी उसको भावचित्रात्मक नाम दिया गया है क्योंकि इसमें जो है ढेर सारे चिन्ह हैं। हड़प्पाई लिपि का जो प्रथम नमूना देखने को मिलता है 1853 में, मैंने बताया था 1856 में लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तब इसके जो है कुछ साक्ष्य देखने को मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो उसी से जो है 3 साल पहले इस सभ्यता से संबंधित एक लेख, मतलब किसी को प्राप्त हुआ होगा, लेकिन उस समय तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानते नहीं थे तो उसका मतलब कुछ पता ही नहीं चल पाया होगा कि ये जो है किस सभ्यता से संबंधित है। जो असली बात सामने आई 1923 में, मतलब कि 1923 में जो है इस लिपि का उजागर हुआ, क्योंकि देखो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में मोहनजोदड़ो की, जहां से इस लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो उसके बाद जो है इस लिपि का उजागर होता है 1923 में। हड़प्पाई लिपि में मुख्य रूप से 64 मूल अक्षर हैं और 250 से लेकर के 400 तक इसमें अक्षर हैं जो कि चिन्हों के रूप में है, मतलब कि चित्र के रूप में है ये। इस कारण से जो है इसका नाम भावचित्रात्मक कहा गया है। ब्रिजवासी लाल जो कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने जो है इस लिपि के बारे में कहा कि यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती रही होगी। ये किनके द्वारा कहा गया है? ब्रिजवासी लाल के द्वारा, जिसको कि और जो इतिहासकार हैं वो भी स्वीकारते हैं। तो याद रखेंगे इस लिपि को दाई से बाईं ओर लिखा जाता रहा होगा।
हड़प्पाई लिपि के अधिकांश नमूने मोहरों के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मोहरे। इस सभ्यता से संबंधित लगभग 2000 मोहरे अब तक प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से 1398 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जो कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार आकार में प्राप्त हुई है। मतलब कि यहाँ की जो मोहरें थी वो बेलन के आकार की भी प्राप्त हुई हैं, वर्गाकार मतलब कि चौकोर भी प्राप्त हुई हैं, आयताकार भी प्राप्त हुई हैं और वृत्ताकार मतलब कि गोल आकार में भी प्राप्त हुई है। लेकिन जो वर्गाकार था मतलब कि जो चौकोर आकार के जो सिक्के हैं वो सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुई है। मतलब कि यहाँ के जो लोग थे चौकोर आकार के सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये बेलनाकार, आयताकार और वृत्ताकार के भी जो मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी मोहरे प्राप्त हुई है अधिकांशतः शैल खड़ी से निर्मित है। हालांकि इसके अलावा कुछ मुद्राएं काचली मिट्टी, गोमेद, चट और मिट्टी से भी बने हुए प्राप्त हुई हैं, लेकिन अधिकांशतः जो मुहरे हैं शैल खड़ी से बना हुआ है। और सर्वाधिक कौन से आकार की मुद्राएं पाई गई है, तो वर्गाकार अथवा चौकोर। यहाँ से प्राप्त अधिकांश सिक्कों में एक श्रृंगी सांड का चित्र अंकित है। मतलब कि यहाँ के जो सिक्कों में एक श्रृंगी मतलब कि एक सिंग वाले सांड का चित्र अंकित है। हालांकि इसके अलावा यहाँ के सिक्कों में भैंस, बाघ, हाथी, गेंडा, बकरी जैसे जानवरों के चित्र भी अंकित मिले हैं, लेकिन जो सर्वाधिक जो चित्र अंकित है एक श्रृंगी सांड। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं मतलब कि कुछ विशेष प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की आकृति वाला सिक्का प्राप्त हुआ है, मतलब कि सिक्के में पशुपति शिव का चित्र अंकित है। वहीं मोहनजोदड़ो से एक और सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें पीपल की दो शाखाओं के बीच में एक देवी खड़ी है जो कि निर्वस्त्र है और उसके सम्मुख जो है एक भक्त बैठा हुआ है उसकी आराधना में और उसके नीचे जो है कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, मतलब कि इस टाइप का एक चित्रित मुद्रा प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। यहाँ मैंने लिखा है राजमुद्रांक। राजमुद्रांक क्या होता है, तो सील जो मुहर लगाया जाता है ना किसी कागज में कोई राजा द्वारा, आज भी जो सील लगाया जाता है जो चिन्ह राज चिन्ह, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, तो उस टाइम जो राजमुद्रांक भी प्राप्त हुए हैं, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के राजमुद्रांक भी प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से ये राजमुद्रांक प्राप्त हुए हैं, जो कि कोई भी मतलब जो व्यापार आदि के लिए जो भी पत्र जारी किए जाते रहे होंगे तो उसमें ये राजमुद्रांक अंकित किए जाते रहे होंगे। अच्छा, जो मैंने हड़प्पाई लिपि बताया, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पाई लिपि में लिखा गया जो सबसे बड़ा लेख प्राप्त हुआ है उसमें 17 चिन्ह अंकित है। याद रखेंगे, इस चीज को बताना रह गया था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला। इस काल में मूर्तिकला काफी विकसित थी। हमने देखा कि बहुत से स्थलों से जो है काफी मूर्तियां प्राप्त हुई। अधिकांश मूर्तियां मिट्टी से बनाए जाते थे, हालांकि धातु मूर्तियां भी प्राप्त हुई है लेकिन वो जो है थोड़ी कम संख्या में प्राप्त हुई है। अधिकांश जो है मिट्टी से बनाई जाती थी, लेकिन जो धातु मूर्तियां हैं वो काफी उत्कृष्ट होती थी। मतलब जो धातु मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है वो काफी आकर्षक है, जैसे कि हमने मोहनजोदड़ो से देखा था कि एक नृत्य करती हुई नर्तकी का कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुआ है जो कि काफी आकर्षक है और उसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। तो याद रखेंगे, इस काल में जो भी मूर्तियां प्राप्त हुई है अधिकांशतः मिट्टी से बनाई जाती थी, हालांकि धातु मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की क्या स्थिति थी। जैसा कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि, दूसरे स्थान पर पशुपालन और तीसरे स्थान पर व्यापार और उद्योग। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में अवस्थित है। यह क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ है, तो प्राचीन समय में भी उपजाऊ रहा होगा, आज भी जो है ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है। तो उस समय जो है सिंधु वासी जो है इस क्षेत्र में अच्छी खासी फसल लिया करते रहे होंगे। सिंधु वासी मुख्य रूप से जौ और गेहूं की फसल लिया करते थे, मतलब कि इनके द्वारा जो प्रमुख जो फसल थी इनकी जौ और गेहूं। यहाँ से जो है धान की साक्ष्य जो है उतना नहीं मिला है, केवल लोथल जो कि गुजरात में है और रंगपुर से जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब कि धान के साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं लोथल से, लेकिन और किसी भी स्थान से जो है चावल के साक्ष्य नहीं मिले। कुछ एक स्थान और है जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन
अन्यत्र जो है कहीं नहीं प्राप्त हुआ है। अधिकांश जगह से जो है जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जिससे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यहाँ जो है जौ और गेहूं मतलब एक महत्वपूर्ण फसल रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जौ के दो किस्म प्राप्त हुई हैं और गेहूं के तीन किस्म। जैसे होता है ना फसलों के अलग अलग किस्म, तो जौ के दो किस्म और गेहूं के तीन किस्मों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जौ और गेहूं के अलावा भी यहाँ से जो है कपास, कपास भी उगाने का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो कपास है, कपास उगाने मतलब सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु वासियों को ही दिया जाता है। सिंधु वासियों द्वारा कपास की खेती की जाने के कारण यूनानी लोगों ने सिंधु वासियों को सिडोन कहा, याद रखेंगे, इस कारण जो है इसको सिडोन सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु वासियों को ही जाता है। कपास के अलावा गेहूं, जौ, जौ, गेहूं, कपास के अलावा यहाँ जो है मटर, सरसों, तरबूज, तिल, खजूर जैसे फसल भी यहाँ लिए जाते थे। इतिहासकारों को जो है अभी तक यहाँ से 9 फसलों के साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। अगर हम बात करें वृक्षों की, तो यहाँ पर नीम, केला, नींबू, पीपल जैसे वृक्षों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु वासियों के औजार पाषाण और धातु निर्मित होते थे। हल के रूप में ये लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब कि एक जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है इनकी मतलब जो शिल्प उद्योग इन सब के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंधु वासी तांबे में टीन मिला करके कांसा तैयार करते थे, क्योंकि देखिए कांसे से जो है कई सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है, तांबे से भी कई सारी चीजें प्राप्त हुई है। तो ये लोग जो है कांसा, टीन, तांबा जैसे धातुओं से परिचित थे। तो कांसा मतलब तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा तैयार करते थे। कांसा का काम करने वाले कशेरों का इस सभ्यता में काफी महत्वपूर्ण स्थान था, मतलब कि जो कांसा का काम करते थे जिनको कशेर कहा जाता है, तो उनका जो है समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। इनके अलावा जो है समाज में कुंभकार, आभूषण का काम करने वाला, मकान बनाने वाले, और जो सूती जैसे कपास मिला है तो जो सूती कपड़ा का काम करने वाले, इन सब का जो है समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा। और ये सब जो है शिल्प और उद्योग के अंतर्गत आते थे, क्योंकि यही सब उस समय के उद्योग थे। और जो मनका बनाने का जो कारखाना प्राप्त हुआ है, तो वह उद्योग भी काफी मतलब विकसित था। इसके अलावा जो है सीप उद्योग भी यहाँ विकसित था। अब हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की। जैसा मैंने बताया था जो लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुआ था, जहां मिस्र, सुमेरिया जैसे देशों से जहाज आया करते थे, तो इनका जो व्यापार है, सिंधु वासियों का जो व्यापार है, वो आंतरिक ही नहीं अपितु बाह्य भी था। मतलब कि वो जो है आंतरिक व्यापार तो करते ही करते थे, लेकिन बाह्य देशों के साथ भी उनका व्यापार संबंध था, जैसे कि मिस्र, सुमेरिया, मेसोपोटामिया जैसे देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था, मतलब कि जो है कुछ वस्तु लो और उसके बदले में कुछ वस्तु दो, वस्तु विनिमय होता था। हालांकि मोहरे प्राप्त हुई है, लेकिन उनका जो है उतना प्रयोग नहीं होता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। कुछ वस्तुएं देख लेते हैं जिनको बाहर से आयात किया जाता था, मतलब कि जो मतलब इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं होता था, उनको जो है दूसरे जगह से मंगवाना पड़ता था। तो देखते हैं हम तांबा, तो ये लोग जो है सिंधुवासी तांबा राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से प्राप्त करते थे। याद रखेंगे तांबा, खेतड़ी, ये जो खेतड़ी है आज भी तांबा के लिए जाना जाता है। उसके बाद टीन और चांदी, टीन और चांदी ये लोग कहां से मंगाते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। वही सोना यहाँ दक्षिण भारत से आता था, फारस और अफगानिस्तान से भी। सोना याद रखेंगे दक्षिण भारत फारस और अफगानिस्तान से। सेल खड़ी जिससे कि मूर्तियां सिक्के विक्के बनाए जाते थे, तो ये जो है बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से प्राप्त किया जाता था, मतलब इसी सिंधु घाटी क्षेत्र में ये उपलब्ध था। उसके बाद शंख और कौड़ियां, ये जो है दक्षिण भारत और सौराष्ट्र से लाया जाता था, शंख और कौड़ियां। अब थोड़ा सा हम जो है सिंधु वासियों की राजनीतिक स्थिति के विषय में देख लेते हैं। जिस प्रकार इनकी विकसित संस्कृति थी, तो उसको देखते हुए इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनके प्रशासन का जो संचालन किसी केंद्रीय शक्ति के हाथों में रहा होगा, मतलब कि जो संपूर्ण प्रशासन का जो संचालन कोई केंद्रीय शक्ति करती रही होगी। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है, मतलब कि इस संबंध में जो है इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्रशासन पर व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व रहा होगा, वही कुछ कहते हैं कि प्रशासन पर मध्यम वर्ग का प्रभुत्व रहा होगा, वही तीसरा एक और मत देते हैं कि जो प्रशासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व रहा होगा, ये कहते हैं। तो मतलब इस संबंध में जो है उतनी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनसे ही ये सारी चीज मतलब अनुमान लगाते हैं इतिहासकार।
क्योंकि अभी तक सिंधु वासियों की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण से जो है कई सारी बातों पर जो है इतिहासकार भी मौन है। अगर हम बात करें इनकी धार्मिक स्थिति की, तो यहाँ जो है देवी पूजा बहुत अधिक किया जाता था, क्योंकि देखिए जो स्त्री मूर्तियां बहुत अधिक प्राप्त हुई है, तो उससे जो है इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यहाँ जो है मातृ देवी की पूजा करते रहे होंगे सिंधुवासी। एक मूर्ति प्राप्त हुई है, मिट्टी से बना हुआ मूर्ति, एक स्त्री की मूर्ति है जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोग जो पृथ्वी है, प्रकृति है, उसको जो है मानते थे, मतलब कि दुनिया का सृजनकर्ता मानते थे। इसके अलावा जो है लिंग और योनि के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब कि इनके पूजा करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये लोग जो है एक श्रृंगी सांड को पवित्र मानते थे, जैसे आज गाय को पवित्र माना जाता है, तो उस समय जो है एक श्रृंगी सांड को पवित्र माना जाता था, जो कि इनके सिक्कों में भी काफी देखने को मिला है। अच्छा, एक विशेष चीज याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, किसी में भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। भले ही जो मूर्तियां प्राप्त हुई हो, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई हो, पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई हो, लेकिन मंदिर के साक्ष्य कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हम बात करें सिंधु वासियों के सामाजिक स्थिति की, तो जिस प्रकार से स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो उससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा, जैसे कि अभी हमारा समाज पितृ सत्तात्मक है। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु वासियों का समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। सामाजिक व्यवस्था में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इन सब जितना भी मैंने अभी पॉइंट उठाया, कृषि, अर्थव्यवस्था, इनका व्यापार, वाणिज्य, राजनीति, धर्म, ये सब के बारे में ज्यादा पूछता नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा जो है मालूम रहना जरूरी है। अब सीधा हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो सिंधु सभ्यता के विनाश के संबंध में भी इतिहासकारों में अलग अलग मत है, तो देखते हैं कौन कौन क्या क्या कहते हैं। जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, जो कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड थे, प्रमुख थे, तो वो क्या कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। जैसा अभी हमने देखा राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था इनका, तो उसके संबंध में कोई उतना जो है जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो जॉन मार्शल क्या कहते हैं कि जो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफी शिथिल हो गया होगा, कमजोर हो गया होगा, जिस कारण से जो प्रशासन के केंद्र में जो भी रहे होंगे वो जो है इस सभ्यता को, पूरे जो इनका जो भी राज्य रहा होगा उसको जो है संभाल नहीं सके, जिस कारण से इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा, प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल। उसके बाद दूसरा मत दिया जाता है जलवायु परिवर्तन, जो कि ऑरेल स्टाइन के द्वारा दिया गया है। जलवायु परिवर्तन मतलब कि जैसे अभी हो रहा है जलवायु परिवर्तन, बहुत जल्दी जल्दी जलवायु परिवर्तित हो जा रहा है ना, जैसे कि गर्मियों में भी बरसात हो रहा है, बरसात में भी गर्मी पड़ रहा है, ठंड में उतनी सर्दी नहीं लग रही है, तो यही क्या है, जलवायु परिवर्तन। तो ऑरेल स्टाइन का ऐसा मानना है कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई होगी। ये कौन कहते हैं, ऑरेल स्टाइन। अगला है बाढ़, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ होगा, तो देखते हैं ये कौन कौन कहता है, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के मध्य स्थित थी, तो इन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों में प्रचंड बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। उसके बाद है भूतात्विक परिवर्तन, मतलब कि भूकंप वगैरह आए होंगे तो उससे इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। ये कौन कौन कहते हैं, एम आर साहनी, आर एल राइक्स, जॉर्ज एफ डेल्स। इनका कहना क्या है, भूतात्विक परिवर्तन, मतलब कि भूकंप वगैरह आया होगा, इस कारण से इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। उसके बाद अगला मत दिया जाता है विदेशी आक्रमण अथवा आर्यों का आक्रमण, मतलब कि विदेशियों ने आक्रमण किया होगा अथवा फिर आर्यों ने आक्रमण किया होगा, तो ये कौन कहते हैं, गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट, मतलब कि जो विदेशी रहे होंगे उस समय के, क्योंकि देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है जब उसका अंत हुआ, तो उसके बाद जो है भारत में जो वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है, और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य। तो इन दोनों गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट, तो इन दोनों का कहना है कि विदेशियों ने इस सभ्यता पर आक्रमण किया होगा, और उसमें भी जो ये जो अंदाजा लगाते हैं कि आर्यों ने, संभवतः आर्यों ने जो है सिंधु वासियों पर आक्रमण कर दिया होगा, जिससे यह सभ्यता नष्ट हो गई और इस सभ्यता, इस स्थान पर आर्यों ने अपना अधिकार कर लिया, इसके बाद ही वैदिक सभ्यता आई। एक मत और मिलता है, मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी, ये कौन कहता है, डीडी कौशाम्बी।
इनका कहना है कि कोई बाहरी ताकत, मतलब कि कोई मतलब विदेशों से कोई आक्रमण हुआ होगा, जैसे कि ये कहते हैं जैसे गार्डन चाइल्ड और ये स्टुअर्ट पिगट, कि विदेशियों ने आक्रमण किया, आर्यों ने आक्रमण किया। तो जो मोहन जोदड़ो है, ये स्पेशली जो है मोहन जोदड़ो के विषय में कहते हैं, तो बाहर से कोई आक्रमणकारी आए होंगे मोहन जोदड़ो में और वहां के पूरे मतलब शहर में जो है आग लगा दी होगी, तो उससे जो है मोहन जोदड़ो नगर का विनाश हुआ। ये कौन कहता है? डीडी कौशाम्बी, मोहन जोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई। तो ये थे सिंधु सभ्यता का विनाश, मतलब कि ये अलग अलग मत दिया जाता है सिंधु सभ्यता के विनाश के संबंध में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।